हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक साइबर सिक्योरिटी के इस चैनल में। हम इनफॉर्मली सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यह हमारा सेकंड वीडियो है ऑन पैच मैनेजमेंट, और इस टाइम हम जो क्लाउड फोकस कर रहे हैं वो है AWS। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि इस पैच मैनेजमेंट के क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए वाइल डूइंग पैच मैनेजमेंट, और क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी टीम उसमें इन्वॉल्व होती हैं, हर स्टेप में हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पैच मैनेजमेंट के बेसिकली 8 स्टेप्स होते हैं और हम 8ों स्टेप्स को आज थरली उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हम कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं जब हम क्लाउड में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। पैच मैनेजमेंट प्रोसेस स्टेप 1। स्टेप 1 फॉर सिक्योरिटी एंड फॉर द पैच मैनेजमेंट, बेसिकली ये रूल हर जगह अप्लाई होता है मगर सिक्योरिटी में मेनली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ योर एसेट्स, जिसको हम कभी कभी इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये जो लिस्ट ऑफ एसेट्स जिसको इन्वेंट्री कहते हैं, ये अप टू डेट होनी चाहिए। अगर ये आपकी अप टू डेट है तो दैट इज़ द वेरी गुड स्टार्ट। कहीं कंपनीज में मैंने देखा है कि ये लिस्ट ही अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहले पैच मैनेजमेंट अगर आपने करनी है, सर्वर्स अपडेट करने हैं, आपके पास लिस्ट ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए जो आपको पैच करना है, सिक्योर रखना है, आपके वो सारे एसेट्स जो आपको चाहिए ही चाहिए, और मेनली वो एसेट्स जो रेगुलरली यूज़ में आते हैं। इसको आप लिस्ट वीकली भी बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं। ऑटोमेट भी किया जा सकता है इन प्रोसेसेस को। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट लिस्ट बन सकती हैं। और ये लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, इस लिस्ट में होना चाहिए कि आपके एसेट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, IP एड्रेसेस क्या है, वो कौन सी जियोग्राफिक लोकेशन में है, और सबसे इम्पोर्टेंट उस एसेट का ओनर कौन है। ये जो आपकी इन्वेंट्री लिस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप फॉर एनी पैच मैनेजमेंट और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज टू गेट योर लिस्ट रेडी ऑफ ऑल द एसेट्स। सेकंड स्टेप इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, विच इज टू स्टैंडर्डाइज योर एसेट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके एसेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब हमको इसको एक स्टैंडर्डाइज करना है, बिकॉज हम अपने एनवायरनमेंट में दुनिया जहाँ के ऑपरेटिंग सिस्टम, दुनिया जहाँ के एप्लीकेशंस नहीं डाल सकते, जबकि डेवलपर्स और डेवऑप्स आपको कहेंगे कि ये भी इंस्टॉल कर दो, ये नया टूल आया है इसको भी डाल दो, ये नया सॉफ्टवेयर आया है इसको भी डाल दो, ये नया एंटीवायरस आया है इसको भी डाल दो। मगर फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू फोकस ऑन स्टैंडर्डाइजिंग योर सिस्टम्स, जो कहने में आसान है पर करने में मुश्किल है। मगर अगर आपने ये एक बार स्टैंडर्डाइज कर लिया तो उससे आपकी टीम का बहुत टाइम बचेगा, जब रेमिडिएशन का टाइम आएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करना होगा। इफ़ यू हैव स्टैंडर्डाइज्ड कि आपके हर इंस्टेंस में, हर नोड में दिस मच इतना ही सॉफ्टवेयर होते हैं, इतनी ही लिस्ट होती है जिनको आपने देखना है, तो आपका रेमिडिएशन काफ़ी इजी हो जाएगा। एग्जीक्यूशन जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक कंप्यूटर की बात करें नोट की, उसके अंदर इतनी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आपको कौन सी चीज़ पैच करनी है, कौन सी चीज़ सिक्योर करनी है। तो इट्स अ नाइटमेयर। सो आई रिक्वेस्ट यू कि सेकेंड स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग अ लिस्ट इज स्टैंडर्डाइज योर सिस्टम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसका वर्जन,
वो लिनक्स में है तो रेड हैट 8 होना चाहिए कि नहीं, विंडोज़ है तो कौन से विंडोज़ होनी चाहिए, उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्डाइज करके रखनी पड़ेंगी पहले से ही, तभी आपका पैथ मैनेजमेंट जो है इफ़ेक्टिव होगा और फास्टर होगा। थर्ड पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी कंट्रोल्स दैट आर इन प्लेस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वल्नरेबिलिटी टूल्स हैं, जो आपके फायरवॉल रूल्स लगे हुए हैं, जो आपके एंटीवायरसेस हैं, वो सारे आपको एक लिस्ट बनानी है कि ये हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके नोट के ऊपर एक एंटीवायरस होना चाहिए विच इज़ कॉल्ड EDR सिस्टम। EDR पे हमने वीडियो बनाई है, अगर आपको EDR के बारे में और जानना है, विच इज़ एंडमेंट प्रोटेक्शन, मेरी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। अच्छा, तो उस नोट के अंदर आपका एक एंटीवायरस होना चाहिए, उसके फायरवॉल रूल्स क्या होने चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, आपकी IP रेंज जो होती है वो कौन सी होनी चाहिए, ये इन सारी चीज़ों की आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स की एक लिस्ट होनी चाहिए। इससे होगा क्या, इससे आपको पता लगेगा कि आपका एसेट्स जो हैं वो कहाँ हैं और वो क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो कैसे एक दूसरे से लिंक है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे एक दूसरे से लिंक है, आपका एसेट कहाँ पे है, या आपका जो सिक्योरिटी कंट्रोल है, एंटीवायरस, वो क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, अगर ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपके पास नहीं है तो मुश्किल की बात है फॉर पैच मैनेजमेंट और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। सो थर्ड प्रोसेस इज़ टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी कंट्रोल्स दैट आर इन प्लेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट कंपेयरिंग द वल्नरेबिलिटीज अगेंस्ट योर इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने लिस्ट बनाई, सेकेंड स्टेप में हमने स्टैंडर्डाइज किया, थर्ड स्टेप में हमने उसको सिक्योरिटी कंट्रोल्स की भी लिस्ट बना ली। अब हमें क्या करना है कि हमको ये चेक करना है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनका क्या स्टेट है, क्या वो वल्नरेबल हैं कि नहीं। हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में विदाउट डूइंग एनी पैच मैनेजमेंट उसमें रिस्क क्या हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या रिस्क है, फिर आपको पता लगेगा कि आपको ये कितना फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा ये प्रोसेस। सो दिए सर स्टेप्स जो हैं वो आपको एक बार ही नहीं करने हैं, आपको बारी बारी करके उसको रिफाइन करना है। सो फोर्थ स्टेप में आपको ये जजमेंट मिलेगी कि भैया आपका जो लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज है उस कितनी एक्सपोज्ड है, कितनी वल्नरेबल है, कितना रिस्क है इसमें। फोर्थ पॉइंट में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारी सिक्योरिटी लेवल 30% है, 80% है या 90% है। इस क्लैरिटी के बाद ही आप सेकंड नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फिफ्थ स्टेप में जाएंगे। फिफ्थ स्टेप इज़ टू क्लासिफाई द रिस्क। अब जो आपके एसेट्स हैं आपको पता लग गया है कि ये वल्नरेबल हैं, फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, उनको क्लासिफाई करोगे बेस्ड ऑन व्हाट, क्रिटिकलिटी, सीवियरिटी ऑफ द इशू, उसके अंदर डेटा कैसे है। अगर डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो वो एसेट्स अलग होनी चाहिए। अगर क्रिटिकलिटी हाई है, जैसे कोई नोड है जो IP एड्रेस उसका एक्सपोज हो चुका है, या फॉर बिजनेस रीज़न वो इंटरनेट में ओपन है, तो वो टाइप ऑफ एसेट्स आर मोर वल्नरेबल। तो आपको एक क्लासिफाई करना पड़ेगा अपना रिस्क बेस्ड ऑन देन इन्वेंट्री, कि उस इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनकी सीवियरिटी हाई है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंशियल डेटा है। नॉट कि पूरा आपको देखना है डेटा प्रोटेक्शन एंड ऑल, जस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि बेस्ड ऑन योर सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन कौन से एसेट्स वल्नरेबल हैं जिसको आप फोकस कर सको। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टेस्टिंग। टेस्टिंग इज एवरीथिंग इन पैच मैनेजमेंट। टेस्टिंग कैसे की जाती है, आप एकदम अपने सारे इन्वेंट्री को अपडेट नहीं कर सकते, आपको पता है इसमें रिस्क है, आपको पता है ये वर्जन है और ये पैच लगना चाहिए अपनी मशीन्स में, मगर आप एकदम पैच मैनेजमेंट को रन नहीं कर सकते, पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे करते हैं, उसमें हम एक लिस्ट ऑफ एसेट्स एक लैब सा बनाते हैं और वहाँ पे मशीन्स रखते हैं सेम एज दे आर इन अदर एनवायरमेंट्स। उस लैब्स में आप अपना पैच मैनेजर को चलाते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं कि भाई फंक्शनैलिटी जो थी वो चल रही है, डेवलपर्स को जो एक्सेस चाहिए थे वो ऑलरेडी हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है वो ठीक ठाक चल रही हैं। तो इसमें
स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ द मशीन, बी टू बी एंड टू एंड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आप करके कर चेक कर दें कि अगर आपने ये पैच मैनेजमेंट बाकी एसेट्स में रोल आउट किया तो कोई सरप्राइजेज नहीं मिलेंगे। सेवेंथ स्टेप इज एक्चुअली अप्लाइंग द पैचेस। अब आपने टेस्ट कर लिया है, अब आपको अप्लाई करना है पैचेस। इस स्टेज में भी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने धीरे धीरे करना है। आप थोड़े सी लिस्ट ऑफ एसेट्स चुनो, आप उसको पैच करो, लाइक डेव एनवायरनमेंट ऐसे कर लो। लैब लैब में टेस्टिंग हो गई, अब डेव में आपने पहले पैच मैनेजमेंट कर लिया। उसके बाद आप देखो कि अब आपकी एप्लीकेशंस ठीक चल रही हैं कि नहीं, कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं, डेवलपर्स के टूल्स सारे चल रहे हैं कि नहीं, डेवऑप्स के सारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स ठीक हैं कि नहीं, आपका एंटीवायरस अच्छे से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो इस न्यू वर्जन से कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इस टाइम भी आपको मिल सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि इंस्टेड ऑफ रोलिंग आउट टू ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट और टू ऑल द लिस्ट जो आपने बनाई है, आप एक एनवायरनमेंट चूज़ करो, उसमें थोड़े से एसेट्स चूज़ करो और उसमें पहले इसको चलाओ। अगर रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्ट्री तो आप इसको रोल आउट करो। लास्ट स्टेप इज टू ट्रैक द प्रोग्रेस। एक बार आपने सारे एनवायरनमेंट्स में चला लिया, तब आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ क्या कमी रह गई। कि पैच मैंने चलाया था, एंटीवायरस चलना बंद हो गया, पैच मैंने चलाया था, वल्नरेबिलिटी टूल्स चलना बंद हो गए, पैच मैंने चलाया था, इनका स्ट्रेस टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ गई, एप्लीकेशन में लेटेंसी आ गई है, एप्लीकेशन स्लो हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ेगी और शुरू से आपको ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट फॉर 1 or 2 months अगर आप ये पैच मैनेजमेंट करते रहे ऐसे इन स्टेप्स से, तो मे बी आफ्टर 2 quarters यू विल रीच टू अ कंफर्टेबल पोजीशन जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ अब मेरा पैच मैनेजमेंट प्रोसेस ठीक हो गया है और मैं इसको जब भी चलाऊँगा आई विल नो कि ये ठीक से चलेगा और मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना। लिस्ट कैसे बनती है एसेट्स की अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लेटर L ऐड करें, उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको इस टॉपिक में और इंटरेस्ट है। ओवरऑल अगर आपको पैच मैनेजमेंट में कोई ऐसा स्टेप है जो मैंने मिस कर दिया हो आपके एक्सपीरियंस के बेस में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको डालें जिससे कि मेरे को भी पता लगे। कोई और टॉपिक का वीडियो हो जो आपको इंटरेस्ट है वो आप कमेंट सेक्शन में डालें जिससे कि मेरे को पता लगे और मैं उस पर नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल होगा पैच मैनेजमेंट पे बेस्ड ऑन AWS क्लाउड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।